स्कीम के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर दिख रहा है। दिल्ली में सटी अलग अलग सीमाओं की बात करें तो कुछ किलोमीटर तक लंबा जाम दिखाई दिया। नोएडा, गुरुग्राम के दिल्ली से सटे बॉर्डर से जाम की भयंकर तस्वीरें भी सामने आई। बता दें, अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे विभिन्न छात्रों के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी आज भारत बंद का ऐलान किया है। जाम की दिक्कत दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी दिखाई दी। यहाँ चिल्ला बॉर्डर नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। भारत बंद के ऐलान की वजह से बाकी राज्यों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिहार के पटना में डाक बंगला चौराहे पर सुरक्षा बल तैनात है। वहीं पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी शहरों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे इंटेलिजेंस के साथ समन्वय बनाकर प्लान बनाया गया ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की कोई तोड़फोड़ ना कर सके। तो देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध जारी है और इसे देखते हुए आज भारत बंद का आह्वान कुछ संगठनों ने किया है, जिसे देखते हुए हाई अलर्ट पर है आरपीएफ और जीआरपी। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद का आह्वान, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम की स्थितियां जो है वो देखी गई। दिल्ली से सटे सीमाओं की अगर बात करें, यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, सुरक्षाएं बढ़ाई दी गई हैं। तो दिल्ली से लेकर पटना तक की तस्वीरें किस तरह से आप देख रहे हैं कि लंबा जाम जो है वो आज देखा गया। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का असर जो है वो कई इलाकों पर देखा जा रहा है, हालांकि कई जगहों पर इसका असर जो है वो नहीं दिखा। तो दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से लंबा जाम जो है वो देखा जा रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरह से पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। हिंसात्मक उपद्रवी करने वालों पर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा कहना है जीआरपी और पुलिस का। भारत बंद का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिला जुला दिखा है। तो उपद्रवियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई भी की जाएगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दिल्ली गुरुग्राम नोएडा बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे को सबसे ज्यादा इसके पहले नुकसान पहुंचाया था। हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई थी, आगजनी कर दी गई थी, बोगी को आग लगा दी गई थी, और ऐसे में आज अलर्ट मोड पर है पुलिस। उपद्रवियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज होगी। तो बता दें, पूरी तरह से सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। कोई भी भड़काऊ मैसेज अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अग्निपथ के खिलाफ भारत बंद से चरमराई व्यवस्थाओं की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये सीधी तस्वीर है दिल्ली की, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से लंबा जो जाम है वो आज लगा हुआ है, लोग किस तरह से परेशान है और हलाकान है। और जबलपुर की बात करें तो